चढ़दी कला टाइम टीवी ते देशां विदेशां विच देख रही सारी संगत नूं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पुरबले जन्म दे तप स्थान सचखंड श्री हेमकुंड साहिब बहुत दूरों दूरों चल के बहुत सारी संगत पहुँच चुकी है। संगत इशनान करके दर्शन करके आनंद माण रही हैं ते आप जी ने उन्होंने दर्शन कराते हैं। वीर जी आप जी कितों आए हो, दसो संगत को की अपील करोगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साहिब सिंह के चरणों से मैं बेनती करदा कि मैं अवतार सिंह जलंधर तो आया हाँ। मैं तकरीबन हर साल ही दशमेश पिता के पूर्वे जन्म स्थान श्री हेमकुंड साहब के दर्शनों वास्ते आता हाँ परिवार समेत। तो महाराज की कृपा है, महाराज आप ही अपने लैके आते हैं सानू। तो हुण इन्नी कृपा हुई है कि महाराज ने जिदा सानू कोई भी दिक्कत नहीं इत्थे आई। असी ऋषिकेश तो लैके ऋषिकेश फिर रस्ते गोबिंद घाट गोबिंद धाम जिथे जिथे भी अं आए हैं बहुत ही वधिया सानू सहयोग गुरद्वारा साहब वालों ही मिलिया जी। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ चढ़दी कला टाइम टीवी वालों का जिन्होंने महाराज की कृपा नाल सानू इत्थे संगत सारी का अपने प्रसन्न करन वास्ते अपना समा सानू अपने दे के और देशों विदेशों तक जिहड़ा हैगा आ साडी जिहड़ी हैगी आ आवाज़ नू जिहड़ा बचाया है। जिथे भी संगतां सुन रही है सारिया संगतां दे चरणों विच बेनती है जेकर कोई बजुर्ग जिहड़ा कोई नहीं भी तुरिया जा सकता वो जिन्हां दे इत्थे तक भी अहीं देखिया हैगा जिन्हां दे कोई लत्तां बाहां भी अपने अपाज हन वह भी अपने गुरु महाराज के चरणों विच आउंदे ने। पर असीं तां महाराज की कृपा दे नाल पूरे सानू तंदुरुस्ती है। जेकर कोई नहीं भी अपने तुर सकदा घोड़ियां दा इंतजाम है कांडी लै लो तुसीं ते कोई भी घबराउण वाली गल नहीं हैगी। महाराज की कृपा बहुत हैगी आ, महाराज आप ही लैके जिहड़ा हैगा आउंदा आ। गुरु महाराज कृपा करन सारी संगत दीआं जिहड़ीआं हैगीआं आ गुरु महाराज दे चरणां विच आण के अरदासां जिन्नीआं वी कीतीआं महाराज सफल करन। इत्थे ही मैं फतेह बुलाउंदा हाँ। बहुत बहुत धन्नवाद जी। जी ने सुनिया ही है संगत आकर के दर्शन स्नान करके खुशियां प्राप्त कर रही हैं। मैं भी चरणा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट वालों यही बेनती करदा वध तो वध संगत आवो आके गुरु महाराज के दर्शन करके खुशियां प्राप्त करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।